हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं 100 है। रामलीला मैदान पर बरसे केजरीवाल, कहा आप एक को जेल में डालोगे तो दूसरा काम करने आ जाएगा, लेकिन दिल्ली में विकास का काम नहीं रुकेगा। विपक्षी एकता में फूट, बैठक से पहले मायावती का चौंकाने वाला ऐलान, मांझी को भी न्योता नहीं। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने पीएम मोदी और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर की भविष्यवाणी, बोले पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। जून तिमाही में 6 से 6.3% रहेगी भारत की जीडीपी, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज के एसोसिएट मैनेजिंग डायरेक्टर जीन फेग ने भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जताया अनुमान। नवादा में दिनदहाड़े बदमाशों ने की युवक की गोली मारकर हत्या, इलाके में मचा हड़कंप। पंजाब सरकार ने पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया, कीमत बढ़ी। पंजाब में पेट्रोल की कीमत 98.65 रुपए प्रति लीटर तो डीजल की कीमत 88.95 रुपए प्रति लीटर। कर्नाटक में आज से शक्ति योजना की हुई शुरुआत, सीएम और डिप्टी सीएम ने बांटे पास, आज से हर महिला की बस में होगी। पंचायत चुनाव की रंजिश में चली गोलियां, एक परिवार के 2 लोगों की मौत, गांव में फैली दहशत, एमपी के देवास की घटना। एसटीएफ ने 2.7 किलो स्मैक के साथ पकड़े 2 तस्कर, 2.5 करोड़ रुपए है कीमत। हाथ में हथौड़ा लिए खूंखार अंदाज में नजर आए रणवीर कपूर, रोंगटे खड़े कर देगा एनिमल का धांसू टीजर हुआ रिलीज।